कैसे हैं? आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, और गांधी जयंती की आप लोग सबको बताइए। आप लोग भी स्वच्छ अभियान जैसे चीज़ों पे काम कर रहे होंगे। अच्छा है, देश के लिए कोई ना कुछ कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे होंगे। चलिए, हमें अपडेट लेके आए थे यस बैंक लिमिटेड पे। यस बैंक में अब आगे क्या? अब तो सोच लेंगे, सब लोग निगेटिविटी की बात कर रहे हैं, तो शायद मैं भी इसी के लिए निगेटिव के लिए ही लेके आया हूँ। हर कोई जानता है टूट रहा है, और बहुत लोग हैं जो इसको नीचे लेवल पे बाय भी कर रहे हैं। तो अब आगे क्या करना चाहिए? इसमें क्या फर्दर बॉटम आएगा तो दिख सकता है, 21 पे एक सपोर्ट है वो आपको मिल सकता है। ये क्या फर्दर अप नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी ह्यूमर्स पैदा कर दिए गए हैं कि अब जितने, जैसे कि आप देखिए रिसेंटली देखिए, रिलायंस एसेट आरपीएम ने, रिलायंस निपोन एसेट मैनेजमेंट ने अपने शेयर को अपलोड कर दिया, और इंडिया, क्योंकि वो इंडिया बुल्स का न्यूज आया कि इंडिया बुल्स के पास इनके स्टेक थे, इंडिया बुल्स और नीचे जा रहा है। तो ऐसे ऐसे स्टेक आ रहा है कि मार्केट में कोई ना कोई अपने शेयर को अपलोड करते जा रहा है। इनफैक्ट खुद राणा कपूर ने अपने शेयर को, इनफैक्ट यस बैंक के एम्प्लॉय ने अपने शेयर को अपलोड करना चालू कर दिया। इस कारण से आप कंटिन्यू सेलिंग देखेंगे, और मंथली चार्ट पैटर्न पे भी ऐसा दिख रहा है कि वॉल्यूम के साथ जिसके पास भी ओल्ड एक्विजिशन है उसको सेल किया जा रहा है। मेरे अंदाज से कोई भी बैंक सेक्टर अभी तक तो मैंने नहीं सुना है कि बंद हुआ है, जो भी लिस्टेड प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ। आईसीआईसी बैंक में भी एक बार ऐसे ह्यूमर उड़ा था, और वहाँ से आईसीआईसी बैंक आज कहाँ पे है आप सबको मालूम है। मुझे नहीं, किसी भी हालत में नहीं, मुझे नहीं लग रहा है ये कि ये सेक्टर ह्यूमर है। ह्यूमर में नीचे बॉटम क्या बना के जाएगा वो नहीं मालूम, फिर भी 21 रुपये 43 पैसे के आसपास एक सपोर्ट है जो गिरते हुए को फॉल करते हुए कर सकता है, हो सकता है 21 रुपये पे सपोर्ट ले। पेनी स्टॉक के रूप में ही इसमें इन्वेस्ट करें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन अभी क्या हुआ है रिसेंटली आप सुनेंगे या एक्सचेंज में इंटीमेशन गया है कि रिलायंस एसेट मैनेजमेंट ने अपने शेयर 10 करोड़ के एसेट को बेचा है। तो सबको अपने अपने छोटे छोटे न्यूज बेच रहे हैं, इसके कारण ये नीचे की ओर जा रहा है। कुछ न्यूज देखेंगे तो यहाँ देखिए, यस बैंक सेज लार्जर स्टेक होल्डर इन वॉकिंग प्लेस बिहाइंड ट्यूजडे स्लम्प इन शेयर। अभी यह आज ही का न्यूज है, 2 अक्टूबर का। शेयर्स ऑफ यस बैंक ऑन मंडे ट्रम्बल 15% ऑन एम कंसर्न ओवर इट्स एक्सपोजर टू इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में एक्सपोजर है, इसके कारण से 15% स्लम्प हुआ है। यस बैंक ऑन मंडे सेड रिसेंट मार्केट रूमर्स एंड रिपोर्ट्स अपीयर टू हैव जनरेटेड लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अराउंड द प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स। खूब एस्पेकुलेशन हो रहा है, और उसके कारण बहुत सारे शेयर्स ऑफ यस बैंक स्लम्प 23% ऑन ट्यूजडे ऑन अकाउंट ऑफ फोर्स्ड सेल ऑफ 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 3.92 ऑफ द बैंक इक्विटी शेयर कैपिटल। इन ए फाइलिंग ऑफ द एक्सचेंज ऑन वेडनेसडे द बैंक सेट ए लार्ज स्टेक होल्डर इन बॉक्स शेयर प्लेस विद इट। ये जो है रिलायंस एसेट मैनेजमेंट, रिलायंस निपोन एसेट मैनेजमेंट ने जो शेयर रखा हुआ था 10 करोड़ का, वो यस बैंक का जो गिरवी रखा हुआ शेयर था रिलायंस एसेट मैनेजमेंट के पास, और चूंकि इनका एक्सपोजर है और ये गिरवी था, रेट से नीचे जा रहा था, तो उन्होंने 10 करोड़ शेयर बेच दिया। फॉलोइंग विज द एंटायर प्लीज स्टूड एस टू लिस्ट द बेंचमार्क सेंसेक्स क्रॉस सेंसेक्स भी गिरा। द यस बैंक स्टॉक हैज ऑल्सो टेकन ए बीटिंग रिसेंटली ड्यू टू दिस कंसर्न। शेयर्स ऑफ यस बैंक ऑन मंडे ट्रम्बल 50% ऑन द एम्ड कंसर्न अबव ओवर इट्स एक्सपोजर टू इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, एंड ऑन ट्यूजडे द स्टॉक लॉस 29%, इट क्लोज 32 ऑन बीएससी। The stock has down for the fifth consecutive session on Tuesday, with 4 to 8 to 4 crores worth of market cap eroded during the period. अब जाकर के आज के डेट में देखेंगे तो इसका वैल्यूशन देखेंगे तो क्या है वैल्यूशन, अभी देखेंगे मार्केट कैप इसका 8,161 करोड़ है, पीई है 14 का, बुक वैल्यू 105 है, डिविडेंड 100% दे रही है, मार्केट लॉट 1 का, इंडस्ट्री पी 37 का है, EPS 2.25 है, प्राइस टू पीसी जो है आपका वो है 9.33, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.30, डिविडेंड 6.25%, फेस वैल्यू 2 रुपये का, डिलीवरी जो अभी जा रही है 17% के आसपास डिलीवरी हो रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बीएससी एनएससी में दोनों में जो मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज है सबको ब्रीच करते हुए 59.62 का ब्रीच करते हुए नीचे जा चुका है। तो 59.62 अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ से पॉजिटिव आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी कुछ न्यूज है, जैसे डेथ बाय 1000 कट्स, हाउ राणा कपूर डायमंड यस बैंक टर्न इन टू स्मॉल कैप, यहाँ पे भी कुछ न्यूज है। फिर आप जाएंगे, एक न्यूज और है, राणा कपूर ऑन मॉर्गन क्रेडिट्स पे ₹792 करोड़ टू आर एन एम ए।
ये आपका 24 सितंबर का न्यूज है। तो ऐसे करके छोटे छोटे बहुत सारे न्यूज भी आ रहे हैं और यस बैंक में ये थोड़ा सा तबाही मचा रहे हैं। जहाँ तक शेयर होल्डर पैटर्न की बात है तो आप देखेंगे एक चीज़ इसमें बहुत सरप्राइज चीज़ है जो देखने को मिलेगी आपको। जहाँ प्रमोटर स्टेक तो घट ही रहा है, प्लीज शेयर जो 3.634 था वो सीधा 40% है। अनहिडन जो था इसमें प्लीज वो नहीं बताया गया था, इसके कारण आप देखेंगे यहाँ पे प्लीज की जो गिरवी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इन सब कारणों से ही राणा कपूर को कहीं ना कहीं बैंक में दिख रहा था और उनको हटाने का डिसीजन लिया गया था। शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं चीट एंड फ्रॉड की बातें हो रही थी जो कि डिस्क्लोजर में नहीं था और वो रिफ्लेक्ट होते हुए यहाँ पे दिख रहा है और ये अभी सामने आया है। तो इन सब कारणों से ये न्यू लो का हाई बनाते जा रहा है और 52 पे जो इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट था आप देखेंगे तो इसका जो पहला सपोर्ट था यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट 52.06 पे था और अभी इसने 32 पे सपोर्ट लिया है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये 32 पे सपोर्ट लेके भी रुक पाएगा और कहीं ना कहीं एक नया सपोर्ट यहाँ पे आके बना सकता है जो कि आता है 21.49 के आसपास, 21 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। आप देखेंगे तो इसको एक बार नहीं यहाँ से भी उठा था तो यहाँ 2 बार और फिर यहाँ से एक फॉल यहाँ गिरा नहीं था और यहीं से ऊपर लिया था। तो प्रीवियसली भी इसने यहाँ पे कई बार इसके पहले भी इसको टच नहीं किया है और अभी यहाँ पे हो सकता है एक बार रिसेंटली आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक 21 के आसपास एक सपोर्ट दिखता है और अगर इसको ब्रीच करता है तो फिर ये अपने नए लो को बनाएगा जो कि 15 रुपये का लो है और अगर ये बनाता है तो मेरे अंदाज से एक पेनी स्टॉक के रूप में इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रूप में 15 रुपये पे देखना चाहिए। तो सपोर्ट है यहाँ पे 21 रुपये और 15 रुपये जो लग रहा है कि बनाएगा क्योंकि जिस सेंटिमेंट से फॉल किया जा रहा है और गिराया जा रहा है इसको उससे लग रहा है कि ये नीचे की ओर जा सकता है। अगर डेरिवेटिव में भी देखें तो यस बैंक में जहाँ ओपन हुआ था 42 पे 29 का लो लगाया और 32 पे क्लोज दिया है लेकिन चेंज इन ओपन परसेंटेज 20% है। आप समझिए ओपन परसेंटेज फॉल के साथ और भी बढ़ रहा है मतलब शॉर्ट सेल और भी क्रिएट किए जा रहे हैं वो भी 1-2% नहीं 20% से सेल किया जा रहा है। जहां सेल क्वांटिटी 57 लाख 75,000 है और बाइंग सिर्फ 20,41,000 है। अगर मैं इसको डेरिवेटिव में भी देखने की कोशिश करूं यस बैंक पे 1 अक्टूबर है 31 अक्टूबर की क्लोजिंग को देखूं तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये एट द मनी 32 30 के आसपास देखें तो यहाँ पे भी 30,80,000 से इसे शॉर्ट किया जा रहा है और नीचे की ओर देखेंगे तो आप यहाँ पे 15 रुपये पे बाइंग की पोजीशन बन रही है, पुट राइटिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो दिखता है एक 30 रुपये पे एक सपोर्ट इसको लेना चाहिए जो कि 83,60,000 का है लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये नीचे की ओर आपको जाता हुआ दिख सकता है। और अगर नवंबर की बात करें वापस तो नवंबर में जो भी दिख रहा है नवंबर में भी शॉर्ट की पोजीशन बन रही है और 30 पे ही सबसे ज़्यादा 2,11,000 की पोजीशन है और अभी भी इसमें 40 में थोड़ा सा 40 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है 50 के पास 50 के आसपास तो 15 से 50 का रेंज ये अभी मेंटेन कर सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग भी आएगी हो सकता है 50 तक ये आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो यस बैंक में करना क्या चाहिए सारा पैटर्न समझ गए आप सब समझ गए। यस बैंक में कुछ नहीं करना चाहिए, यस बैंक को वॉच रखिए और अगर ये अपने सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है जो कि 59 के आसपास है अगर ये करता है वहाँ क्रॉस करता है 60 को क्रॉस करता है तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में उसको देखेंगे या जिनके पास पहले से है वो एक काम कर सकते हैं कि उसको एक मिनट यहाँ पे देखेंगे तो 59.62 के आसपास मैं 60 के आसपास तो जब ये इसको क्रॉस करता है तो वहाँ पे फिर 70 के लिए आप एक बार इसको देख सकते हैं 70 के लिए। तो यस बैंक में कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर पेनी स्टॉक के रूप में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं
बाद में ये नहीं कहिएगा हाँ इसको होल्ड करना पड़ सकता है, आपको इसको होल्ड करना पड़ सकता है और 90 का टारगेट आपको मिल सकता है। आरएसए भी अगर जाकर के हम देखने की कोशिश करें, आरएसए भी तो आरएसए भी जो अभी बता रहा है वीकली बेसिस पे जो बता रहा है वो 20 के आस 24 के आसपास बता रहा है। अब देखेंगे तो 24.04 बता रहा है और इससे ज़्यादा वीकली बेसिस पे भी फॉल होते हुए अभी चार्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत से ज़्यादा और 4-5 पॉइंट तक दिखे तो दिखे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 15 से 21 के बीच में सपोर्ट ले लेगा। तो हो सकता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी इसमें वापस वापस 50-70 की ओर जाता हुआ दिख सकता है। अगर 70 क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि ये फिर एक अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिलेगा 97 और 97 के बाद 150। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बार पोजिशनल बेसिस पे इसे पोजिशन बना के देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। यस बैंक पे बाइंग सेलिंग कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन पेनी स्टॉक के रूप में 21 के आसपास इसको आप चाहें तो पोजिशन में पेपर ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में किसी को पोजिशन बनाना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह अभी वीकनेस कंटिन्यू है क्योंकि जो ये सेंटीमेंट है सबों का सेल में है, सबको सेल की पोजीशन बनाने में ज़्यादा बिलीव रख रहे हैं। तो आपको भी आप देखेंगे यहाँ पे भी तो एनएससी पे भी ऐसे बाय सेंटीमेंट जो है बाय है 39% और सेल सेंटीमेंट है 61%। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो देखेंगे आपको सेल सेंटीमेंट में ज़्यादा दिखता है। इसके लिए मैं बोला इसको 21 दिखना है तो दिख सकता है, 15 पे 21 पे सपोर्ट है, लास्ट सपोर्ट यहाँ से लेके बाउंस बैक कर सकता है। और एक भी अच्छा फंड अगर आया, फंड जिसको इसको टेक ओवर करने की कोशिश करेगा तो आपको तुरंत 50-70-97 ये रेंज में आते हुए दिख सकता है। तो मेरा कोई भी व्यू नहीं है बाय करने का मार्केट में, आप कोई भी बाय सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।